How do you do the newborn examination? मैं पहले उसकी लुक देखूंगा ठीक है कि वो क्राई में क्या नॉर्मल है क्या क्राई क्राइंग कैसे हां लुक में क्या क्या देखोगे मैं क्राई वगैरह पैटर्न ठीक है क्राई कलर एक्टिविटी लेवल ठीक है पोस्चर ये सारा कुछ आप उसको हाथ लगाए बगैर देख लो ठीक है फिर उसके बाद मैम जो है कि पैलेट जो है वो देख लिया या देख लिया ना अगले स्टेप चलो जॉन्डिस नहीं है वो चक्कर हो गया हेड टू टो एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन सीएनएस का मैम उसके लिए पहले जो जिस जो स्टेप्स है ना पहले वो करो फिर मैं आपको बताती हूं एक्चुअली कैसे करते हैं अच्छा कैसे करोगे रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे यार रिफ्लेक्सेस तो सबसे पहले नहीं ना चेक करते बच्चे ने रो रो के तूफान मचा देना उसके बाद करते रहना एग्जामिनेशन वाइटल चेक करेंगे हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी चेक करेंगे ओके गुड बच्चे को जब आप हाथ लगाओगे चांसेस आर कि उसने रोना शुरू कर देना है लिहाजा इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर लें अगर वो क्वाइट है और हार्ट रेट उसका सुन लें अगर वो क्वाइट है क्योंकि एक दफ़ा रोना शुरू हो गया ना मर्वस पे कौन है ना हार्ट रेट पे कौन है सो इट्स रिकमेंडेड एक तरफ जाके एक दफ़ा जाके सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करो जनरल एक्टिविटी कलर टोन पैटर्न क्या हो रहा है ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है उसके बाद आराम से जाके बगैर हाथ लगाए उसका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट काउंट करो और उसके बाद इसके हार्ट को सुन लो आराम से हार्ट रेट से भी ज़्यादा ज़रूरी ये देख लो मर्वस सुनिए ठीक है इसके बाद आप क्या करो अब बेशक हाथ लगा लो अब क्या करो आपने बच्चों की एग्जामिनेशन चाहे छोटे हो चाहे बड़े हर वो स्टेप जो उनको रुलाए वो एंड में रखना है क्योंकि बेटे एक दफ़ा रुला दिया आपने बच्चों ने बस ख़त्म काम तो अगर आपने रिफ्लेक्सेस करके शुरू में ही उसको रुला देना है देन दैट्स डन ख़त्म फिर आपके काबू में नहीं आना बताएं हेड में क्या देखते हैं हेड सर्कमफेरेंस और सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट एग्जामिनिंग यू लुक एट द फ्रंटल बोन्स उनकी देखो स्टेसिस तो नहीं है सेपरेटेड तो नहीं है ओवरराइडिंग तो नहीं है पीछे की तरफ जाओ कम टू द एंटीरियर फोंटेनेल हैव एन असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द एंटीरियर फोंटेनेल सी इफ इट्स फुल और नॉट उसी डायरेक्शन में अपने थम्स को पीछे लेके जाओ और ये पोस्टीरियर फोंटेनेल फील करो साइड्स पे लेके आओ लैटरल फोंटेनेल फील करो ठीक है टर्न दिस बेबी टू द साइड टू लुक एट द ईयर्स प्री टर्म्स के ये इस तरह कंप्रेस करके देखो टर्म में वापस स्प्रिंग बैक करते हैं प्री टर्म इस तरह चिपके ही रहते हैं gives you an idea of what the gestational age is ear tags sinuses is taraf dekho us taraf dekho external auditory meatae ko dekho ha low set ears ko dekho koi malformation aapko nazar aa rahi hai wo aap dekho absent ears bhi ho sakte then come to the face face mein look at the eyes look at the pupils look at the conjugate gaze a normal newborn baby will look at human face ek bacche ke liye sabse attractive object jo hai wo human face hota hai अगर आप अपना फेस मूव करते हो एंड दिस बेबी इज फिक्सेटिंग विच ही और शी शुड तो वो आपकी शक्ल को देखेगा घर में न्यूबॉर्न्स के साथ करके देखना उसके करीब फेस लेके जाओ ना इधर उधर करोगे तो वो आपको फॉलो करेगा ठीक है अच्छा उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे रेड रिफ्लेक्स देखनी जो आप थर्मोस्कोप से देखते हैं और उसका तरीका ये होता है कि आप तकरीबन एक फुट के फासले पर आप थर्मोस्कोप को पकड़ते हैं and take it close to your eye and look inside the baby's pupil normally there is a red glow if that red glow is absent that's abnormal white reflex is abnormal wo kin kin cheezon mein hoti hai mam wo cataract mein ho sakta koi bhi cheez jo eye ke media ko unclear kar rahi hai koi bhi cheez eye ka media normally transparent hota hai na aage se leke piche tak theek hai cornea conjunctiva cornea lens एक्वस विट्रस ह्यूमर दिस इज ऑल क्लियर एरियाज व्हिच हेल्प्स अस सी यहाँ पे कहीं पे भी कैटरैक्ट है फाइब्रोसिस है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी है कोई भी चीज़ इस मीडिया को अनक्लियर करती है रेटिनोब्लास्टोमा है तो यू विल गेट अ वाइट आई रिफ्लेक्स विच इज़ एबनॉर्मल सो यू नीड टू नोट दैट आईज को देख लें लुक एट द बेबीज नोज बेशुमार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्लेफ्ट लिप आपका नोज तक पहुँचा हो सकता है ठीक है क्वेनल टीजेस का नहीं पता चलता वो बच्चे और तरह से पता चलते हैं वो अगर आप एनजी ट्यूब डालो तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है शेप ऑफ द नोज लुक एट द माउथ आइडियली यू शुड हैव क्लीन हैंड्स और बेबी का पैलेट आप हमेशा अपनी लिटिल फिंगर को अंदर डाल के पैल्पेट करते हो ठीक है टू सी इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द पैलेट
लुक एट द बेबीज चिन टू सी माइक्रोकनेथिया, छोटी चिन तो नहीं है, रिसीडिंग चिन तो नहीं है. लुक एट एनी फिश, एनी ऑब्वियस फेशियल डिसमॉर्फिज्म. डिसमॉर्फिज्म इज लाइक डिसमॉर्फोलॉजी इज अ बेबी दैट डजंट लुक नॉर्मल. इट मे बी एसोसिएटेड सिंड्रोम्स और उसके फीचर्स फ़र्क होते हैं, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट द बेबी आपको पता चल जाती है, यू नो हाउ यू कैन टेल ये नॉर्मल है कि नहीं. ओके, लुक फॉर पैलेटल क्लेफ्ट्स, टंग एबनॉर्मैलिटीज, टंग स्वेलिंग, प्रोटूडिंग टंग. लुक एट द नेक. नेक याद रखो बच्चों में, न्यूबॉर्न्स डोंट हैव नेक्स, समझ रहे हो ना, सार जो है बॉडी पे होता है रखा हुआ. एनी वे मतलब देखने में छोटी नेक्स होती हैं तो, लेकिन आपको स्वेलिंग्स उसकी नज़र आ जानी चाहिए. मिड लाइन स्वेलिंग इज यूजली थायरॉयड साइड की स्वेलिंग, इज यूजली थायरोग्लॉसल सिस्ट. ठीक है, थायरॉयड इज सॉलिड, सिस्ट आर लिक्विड, तो ये ट्रांस इल्यूमिनेट होती हैं. अगर आप छोटा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखोगे तो वो एक ग्लो देगी. दीज आर इम्पॉर्टेंट. वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? वो तो खैर है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, ये बच्चों की रेस्पिरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर, मैंने आपको कहा नेक्स नहीं होती, दे वेरी शॉर्ट लैरिंग्स, उनका शॉर्ट होता है. इट्स वेरी, इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज वेरी इजली. हाइपर एक्सटेंड करो तो कॉम्प्रोमाइज, फ्लेक्स करो तो कॉम्प्रोमाइज. अगर किसी वजह से यहाँ स्वेलिंग्स है जो प्रेशर दे रही हैं तो दे कैन एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट देयर एयरवेज. उसके बाद नीचे आओ, लुक एट द आर्म्स, लुक एट द डिजिट्स. उंगलियाँ पूरी हैं, फ्यूज तो नहीं है, छः तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं है. पोस्ट एक्सिल, प्री एक्सिल, पॉलीडेक्टली हो सकती है. उसके बाद हार्ट आपने पहले ही ऑस्कल्टेट कर लिया, ब्रीदिंग आपने सुन लिया. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जस्ट टू सी विसरा एंड लार्ज तो नहीं है, सेम वे एज इन एडल्ट, बट ऑब्वियसली यू यूज वेरी जेंटली आपने करना है. और उसकी टेक्निक जो है, यू कैन यूज योर होल हैंड इफ यू हैव स्मॉल हैंड्स, बट यू मे एंड अप यूजिंग जस्ट योर फिंगर टिप्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड को कैलकुलेट करो. जो न्यू बॉर्न्स पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स के साथ पैदा होते हैं, अगर उनकी अच्छी एंटी ये पोस्टनेटल एग्जामिनेशन हो तो यू कैन पिक अप अ पोटेंशियल कॉज ऑफ रीनल फेलियर, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन विद पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स एंड प्रेजेंट इन क्रॉनिक रीनल, क्रॉनिक किडनी डिजीज. वेरी इंपॉर्टेंट, फील द ब्लैडर. और मदर से पूछो कि इस बच्चे की स्ट्रीम यूजली मेल्स में होती है, फीमेल्स में वुड बी एक्सट्रीमली अनहर्ड ऑफ. मदर से पूछो कि इसकी यूरिनरी स्ट्रीम नॉर्मल है कि नहीं है. अगर इंटरप्टेड स्ट्रीम है देन अगेन यू माइट बी लुकिंग एट पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स. याद रखें जो नॉर्मल न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन इज अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, इसमें आप चीज़ें पिक कर रहे होते हो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. यू कम टू द ग्रोइन एरिया, यहाँ पे आपने इस तरह करके इसके फेमरल्स फील करने हैं. क्यों फेमरल्स फील करनी है? यस, अगर आपने फेमरल्स फील नहीं की हुई और वो एब्सेंट थी और आपसे मिस हुई है तो ये बच्चा अब फेलियर में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो ही डक्ट बंद होगा इसकी सर्कुलेशन फेल करनी है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर फेमरल्स आपको पैल्पेट नहीं हो रही, यू नीड टू रिफर दिस चाइल्ड टू द कार्डियोलॉजिस्ट. मैं आपको कह रही हूँ ना, ये होती है एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग, जिसमें आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पिक करते हो. आई का प्रॉब्लम पिक हुआ ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, मर्मर पिक हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, फेमरल्स नहीं पिक हो रही कार्डियोलॉजिस्ट, एंड देन यू डू द हिप स्टेबिलिटी टेस्ट. अच्छा, अब वो मैं इस पे नहीं आपको करके दिखा सकती, उसकी मैं आपको मनूवर्स दिखा बता देती हूँ. यू कैन चेक बोथ हिप्स एट द सेम टाइम और वन हिप एट वन टाइम. सपोज आई एम चेकिंग दिस बेबीज लेफ्ट हिप, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसने इसको स्टेबलाइज किया हुआ है. एंड देयर आर टू मनूवर्स, इसकी टांग को आपने फ्लेक्स करना है, इंटरनली रोटेट करना है और बाहर की तरफ पुश करना है. दिस इज नोन एज द ऑटोलानीस टेस्ट. और ये क्या करता है कि अगर पुअरली डेवलप्ड एसिटैबुलम हो, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हो हिप जॉइंट का, तो ये उसके फेमरल हेड को डिस्प्लेस कर देगा. जो डिस्प्लेसमेंट होगी तो आपको बहुत पर्टिकुलर फील आती है, साउंड इतनी, उसको क्लंक या क्लिक कहती हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देती, वो आपको हाथ पे फील होती है. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. एंड वंस यू हैव डन द ऑटोलानीस टेस्ट, यू नीड टू डू एग्जैक्टली द रिवर्स, एक्सटर्नली रोटेट, एक्सटेंड एंड ब्रिंग द एंड प्रेस द हेड फॉरवर्ड. समटाइम्स बेबीज आर बॉर्न विद डिस्प्लेस्ड हिप जॉइंट्स, तो हो सकता है जब आपने ऑटोलानी टेस्ट किया हो तो उसकी जो एसिटैबुलम है वो ऑलरेडी पीछे पेल्विस पे पड़ा हो, यू वोंट नो. लेकिन जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो यू विल गेट दिस क्लंक करके, नंबर वन.
नंबर टू, अगर आपने ऑटोलानीज टेस्ट से हिप को डिस्प्लेस कर दिया है देन यू नीड टू रिप्लेस इट, ठीक है। सो आई एम सॉरी, ये जो बाहर को निकालते हैं वो बार्लोस टेस्ट है इनिशियल वाला, और ये जो वापस लेके जाते हैं ये ऑटोलानीज टेस्ट, ठीक है। सो यू डू द बार्लोस टेस्ट, यू डू द ऑटोलानी, अगेन ऑन द अदर साइड बार्लो ऑटोलानी। अगर ये वापस आपको क्लंग या क्लिक फील हुई है तो देन यू नीड टू गेट अ हिप अल्ट्रासाउंड स्कैन। एक्सरे से काम नहीं चलेगा क्योंकि फेमरल हेड्स जो है वो ऑसिफाइड नहीं होते, वो एक्सरे में नहीं नजर आते, वो दे आर जस्ट कार्टिलेजनस। यू नीड टू गेट एन अल्ट्रासाउंड स्कैन टू कंफर्म। और ये क्यों करते हैं हम, व्हाई डू वी डू इट? लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है ना, फिर क्यों आजकल का जरूरी क्यों होता है इसको देखना? अगर आपने बर्थ पे डिटेक्ट कर लिया, इट्स वेरी सिंपल, या एक स्पेशल हार्नेस में इसको लगा देंगे या डबल नेपीस बना देते हैं, तो ये हेड्स वापस ऐसे एसिटैबुलम में पुश हो जाते हैं, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एसिटैबुलम और द हेड ऑफ द फीमेल। लेकिन अगर आपने ये मिस किया तो ये बच्चा एक साल के ऊपर डिलेड एबनॉर्मल वॉकिंग से प्रेजेंट करेगा, और उस वक्त इसकी ओपन सर्जरी विच इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बर्थ पे आप पिक करें ताकि बगैर सर्जरी के उस बच्चे का गुजारा हो जाए, वगरना मेजर सर्जरी एट वन ईयर। कॉर्ड को देखो, कॉर्ड के सराउंडिंग स्किन अगर रेड है, एरिथेमेटस है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉर्ड इन्फेक्शन। कॉर्ड में आपको विजुलाइज होने चाहिए हाउ मेनी आर्टरीज, हाउ मेनी वेंस, टू आर्टरीज एंड वन वेन। सो वेन जो है वो लैक्स लगती है, उसका मार्जिन खुला हुआ होता है, आर्टरीज पकड़ होती हैं, टाइटी शॉर्ट और थोड़ा सा कॉइल करके ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने लो लिम्स को देखना है, कोई स्वेलिंग, कोई डिफेक्ट, कोई एब्सेंस ऑफ लिम, या बाज़ार एमनियोटिक बैंड्स। मेरे पास पिछले दिनों बच्चा आया था, वो ड्यूरिंग बर्थ इन यूट्रो एक बैंड बनता है, वो आगे से लेग की डेवलपमेंट को ही रोक देता है, कहीं पे भी बन सकता है। लुक एट द टोज डिजिट्स, कोई सिंडेक्टली फ्यूज डिजिट्स, पॉलीडेक्टली, लुक एट द सोल्स ऑफ द फीट, नॉर्मल कर्व है, रॉक बॉटम फीट तो नहीं है, रॉक बॉटम फीट इज लाइक राउंडेड फ्रॉम, जिस तरह वो रॉकिंग चेयर नहीं होती जो पुरानी होती थी, उसके नीचे से कॉन्वेक्स से होते थे, दोज आर रॉक बॉटम फीट। वंस यू सीन दैट, लुक एट द बेबीज बैक, बैक को फील करो, और यहाँ पे देखो कि उसकी एनल ओपनिंग पेटेंट है कि नहीं है। अगर आपने इम्परफोरेट एनस मिस कर दी तो ये बच्चा फिर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और पॉसिबली परफोरेशन के साथ आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर, या मदर से पूछो इसने स्टूल पास किया कि नहीं, या लुक फॉर एनल पेटेंसी। आपने यहाँ पे नेटल क्लेफ्ट देखनी है, बिकॉज समटाइम्स यहाँ पे करके टफ्ट ऑफ हेयर होता है, which is because of spinal bifida, so this baby needs to be referred to ultrasound scan just to make sure ki niche se spine theek hai ki nahi hai. Baaz dawa yahan pe pit aapko milta hai, if there's a pit gently retract karke dekho, agar us pit ki bottom aapko nazar aa rahi hai you're okay, ultrasound aap phir bhi karaoge, but if you can't visualize the bottom of that pit, this pit may be a sinus and there may be communication between the skin and the CSF and this child is going to have recurrent meningitis, ठीक है। सो उस पर आपने अटेंशन फोकस कर लिया। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो अब आप बेशक न्योनेटल रिफ्लेक्सेस कर लें, यू डोंट हैव टू डू ऑल द न्योनेटल रिफ्लेक्सेस, जस्ट वन और टू सफाइस। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस बता देती हूँ, आप बच्चे के बिटवीन जो इसकी रेडियल साइड है वहाँ से फिंगर्स दोगे तो इट्स गोइंग टू आपके, सो दिस इज मामा ग्रास, ओके। साइड को आप स्ट्रोक करोगे तो वो टर्न करेगा, ठीक है, रूटिंग, और अगर मदर का ब्रेस्ट फीड कर रहा होगा तो उसी रूटिंग एंड सकिंग भी होगी। अच्छा, उसके बाद लुक एट द फीट और आप प्रेस करो तो वो उसकी जो है ना टोज यानी प्लांटर फ्लेक्स होगी, विच इज नोन एज द पामर ग्रास। एंड एंड में आपने मोरोज रिफ्लेक्स करनी है, मोरोज रिफ्लेक्स में रेज द बेबीज हेड एंड सडनली लोअर इट, और यू कैन पिक द बेबी अप बाय द आर्म्स एंड सडनली रिलीज, ठीक है। इसकी एक मोरोज रिफ्लेक्स जनरेट होती है, उसके कॉम्पोनेंट्स खुद ही पढ़ लेना, बट दिस इज वॉट इट्स लाइक।
So initial abduction, extension, external rotation, then abduction, internal rotation. ओके मोरर्स रिफ्लेक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू वेज. एक तो आपने देखना होता है दैट इज साइन ऑफ नॉर्मल न्यूरोलॉजी इन द न्यू बॉर्न एंड ऑल्सो ए सीमेट्रिक मोरर्स रिफ्लेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक साइड हिली है दूसरी साइड नहीं हिली. क्या कॉजेज हो सकते हैं तुम लोग बताया था मैंने क्लास में जब किया फ्रैक्चर्स या फ्रैक्चर है ह्यूमरस का लोअर डाउन क्लेविकल का और देर इज अ न्यूरोनल इंजरी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है क्लम्कीज है या अर्ब्स पॉल्सी है जो कि मैंने आपको क्लास में बताई दी है. अब मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं याद. सो दिस इज द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन. इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड. Before doing this examination, you have to wash your hands thoroughly till the elbows, and then once this is done, आपने इसको document करना है. अगर कोई इसमें आपको problem मिली है जिसके लिए आप screen कर रहे थे, this baby needs appropriate referral. If there's no problem, you wrap this baby up and you will give this to the mother. और mother को क्या कहोगे? शाबाश. Exclusive breastfeeding. ठीक है? अब समझ आ गई है? अब आप practice कर लोगे खुद ही? चलो शाबाश करो फिर प्रैक्टिस.